हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन मींस पोषण विज्ञान के बारे में। न्यूट्रिशन फ्रेंड्स है क्या? ये एक साइंस है जो बॉडी नॉरिशमेंट के बारे में हमें बताती है ना। मेन टू से हमारी बॉडी में जो भी पोषक तत्वों की क्रियाएं हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रही हैं, उनके बारे में हमें बताती है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये एक विज्ञान है जो पोषक तत्वों या फिर कोई भी अदर सब्सटेंसेस हैं जो फूड से हम इंटेक करते हैं उसके थ्रू हमें मिलते हैं, तो उनके बारे में हमें डिटेल में बताता है, उन प्रोसेसेस के बारे में बताता है जिससे पोषण हमारे शरीर में हमारी सेल्स को मिलता है। बट उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि उस ऑर्गेनिज्म का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन या हेल्थ या डिजीज जो भी उस ऑर्गेनिज्म का है, उसके एस्पेक्ट्स में उस पोषक तत्व का क्या रोल है, क्या उसके कार्य हैं, है ना। और अदर वे में हम और बोल सकते हैं कि ये एक विज्ञान है जो भोजन, पोषक तत्वों, उनके कार्यों, उनके आपस में इंट्रैक्शंस के बारे में और उनके बैलेंस के बारे में बताता है हमें, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य और या भी जो भी हमें बीमारी है उसके बारे में हमें डिटेल में पता चले, है ना। सो फ्रेंड्स, ये कुछ डेफिनेशंस थी न्यूट्रिशन की कि हम न्यूट्रिशन बोलते किसे हैं, है ना, उस विज्ञान के बारे में जो पोषक तत्वों के बारे में या उनकी क्रियाओं के बारे में हमें बताता है। और अगर देखें न्यूट्रिशन की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से आई, तो एंटोइने लवोजियर जो फ्रेंच केमिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था इस न्यूट्रिशन टर्म को, या फिर हम कहें कि इस कंसेप्ट को, जो ये मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट है कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फूड और ऑक्सीजन के थ्रू जब अंदर केमिकल प्रोसेस होती हैं, हीट और वाटर कैसे जनरेट होता है, एनर्जी कैसे मिलती है हमें, तो ये सारी चीज़ें बताई थी हमें एंटोइने लवोजियर ने, और जिन्हें हम फादर ऑफ न्यूट्रिशन एंड केमिस्ट्री बोलते हैं। फ्रेंड्स, पोषण विज्ञान जो है ये हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। आप देखो फ्रॉम द बर्थ, या फिर आप देखो कि हमारी मृत्यु तक, कि हमारे बहुत सी ऐसी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं या फिर हमारे शरीर में बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल क्रियाएं हैं, है ना, जो होती रहती हैं, और हमें सचेत होने की ज़रूरत है कि वो कैसे हमें प्रभावित कर रही हैं मेजर वे में, ठीक है, हमारे जन्म से मृत्यु तक वो सारी क्रियाएं कैसे हमें प्रभावित कर रही हैं हमारे स्वास्थ्य को, और हमारे जो डिजीज़ हमें हो रहे हैं उनके बारे में हमें बता के, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि हम उन चीज़ों को समझें और जानें। और जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि ये ऐसा विज्ञान है जिसमें हम हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शंस हो रहे हैं, तो उन प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं और कैसे भोजन का यूटिलाइजेशन होता है उनके थ्रू हमारे शरीर में। और इसी तहत आप देखोगे कि न्यूट्रिशन के अंदर हम कुछ प्रोसेसेस भी जानते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होती हैं। जैसे सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन मीन्स हमने भोजन को ग्रहण किया, है ना, उसको इंजेशन बोल दिया। और सेकंड डाइजेशन, डाइजेशन मीन्स पाचन क्रिया, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके जो लार्ज पार्टिकल हैं उनका ब्रेकडाउन स्मॉलर पार्टिकल्स में हमारे पूरे जीआई सिस्टम के थ्रू, है ना, पूरे जीआई सिस्टम में जब हम इंटेक करते हैं फूड, तो आप देखोगे स्टोमक, देन लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इन सबसे होता हुआ भोजन जाता है, है ना। तो उसमें जो खाना हम खा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन होता है लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल से। और थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, अब जो ये स्मॉल पार्टिकल हो गए हैं खाने के, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे वीली स्पेंडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके थ्रू वो जो खाना पच गया है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो उन वीली के थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन आई। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ कि वो जो पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर दिए हैं इंटेस्टाइनल वॉल से,
तो उन पोषक तत्वों को फिर ब्लड रक्त ट्रांसपोर्ट करते हुए बॉडी के हर सेल्स पे पहुंचाता है, ताकि हर सेल को उसकी अपनी जो प्रोसेस हैं, उसके जो अपने कार्य हैं, उनको करने के लिए पोषक तत्व तो मिलते रहें। और ऐसे हमारा फिफ्थ स्टेप यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना। तो हमारा ब्लड के थ्रू जब सारे पोषक तत्व तो सेल तक पहुंच जाते हैं, तो उन पोषक तत्वों की हेल्प से फिर सेल अपनी एक्टिविटीज करता है। हमारे शरीर में जितनी भी प्रोसेस हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, है ना, आप देखो कार्डियक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, है ना, तो ऐसे लगभग 11 सिस्टम हैं। तो उन सारे सिस्टम्स का जो कार्य होता है, जो प्रोसेस होता है, वो इन पोषक तत्वों को यूटिलाइज करने से ही होता है और यही चलता रहता है। और लास्ट स्टेप है सिक्स्थ, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मीन्स जो सेल ने न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज किया है, तो उसने जब कार्य किया, एनर्जी निकाली, तो उस एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। जैसे आप नॉर्मली घर पे देखो, आपने अगर मिट्टी का चूल्हा देखा होगा, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि हम लकड़ी से खाना पकाते हैं, है ना, लकड़ी को जला के या कोयले को जला के, तो खाना तो पक जाता है, एनर्जी निकल जाती है, लेकिन हमारी राख वहाँ पर बच जाती है। तो उसी प्रकार हमारे बॉडी सेल्स में भी जब प्रोसेसेस होती हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, तो उनमें जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो साथ ही कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं, और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिर प्रॉपर वे में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, है ना फ्रेंड्स। तो ये सारी प्रोसेस थी न्यूट्रिशन की प्रोसेस, कैसे हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन काम करता है। और आप देखो कि जो गुड न्यूट्रिशन है, वो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी बनानी है, तो चार पिलर्स उसके लिए होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट, और लास्ट गुड न्यूट्रिशन। तो बाकी तीन पिलर अगर हम बखूबी निभा रहे हैं, अच्छे से उन्हें कर रहे हैं, तो आप देखो चौथा पिलर गुड न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन भी एक अहम रोल प्ले करेगा हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, बॉडी वेट को मेंटेन करने में, हमारी बॉडी को लड़ने में, अपने जो भी क्रॉनिक डिजीज हैं उनसे दूर रखने में। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए गुड न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखो कि जो न्यूट्रिशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, किन पे डिपेंड करेगा कि न्यूट्रिशन कैसा होगा किसी भी इंडिविजुअल का। तो उसमें चार फैक्टर्स हैं। सबसे पहले सोशल, सोशल मीन्स सामाजिक, कि हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस सोसाइटी में रह रहे हैं। तो आप देखो सोशल फैक्टर बहुत अहम रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हमारे आजू बाजू जैसे लोग होते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सामाजिक कंडीशंस में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फूडिंग हैबिट्स हो जाता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम खा रहे हैं, तो उससे हमें वैसा ही पोषण मिलेगा। सेकेंड, कल्चरल, संस्कृति, है ना। तो संस्कृति के अकॉर्डिंग कैसे इम्प्लीकेशंस होते हैं फूड और ईटिंग हैबिट्स के, आप देखोगे कि संस्कृति के अकॉर्डिंग कहीं पे नॉनवेज खाना अलाउ नहीं है, कहीं वेज खाना अलाउ नहीं है, है ना। और ऐसे अलग अलग फूडिंग हैबिट्स होती हैं, कहीं लिक्वर ज़्यादा ट्रेडिशनली प्रिफर करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। तो अलग अलग जो न्यूट्रिशनल हमारा फूडिंग हैबिट्स है, तो उसकी वजह से हमारा ओवरऑल बॉडी हेल्थ डिपेंड करता है, कल्चरल फैक्टर्स की वजह से। थर्ड, इकोनॉमिकल, कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हम खाने को अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, है ना, अच्छे खाने को। और फोर्थ है साइकोलॉजिकल, मीन्स मेंटल इशूज़ भी अगर रहते हैं, तो उस पर भी आपका न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ बॉडी की डिपेंड करती है। आप देखो कि अगर हमारे पास स्ट्रेस है किसी भी चीज़ का, आप देखो कि बहुत से सिचुएशंस में हमारे पास फैमिली में स्ट्रेस होती हैं, या फिर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, कोई जॉब में प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेस होता है। हम एक तो अच्छा खाना नहीं खाते हैं, और ऊपर से हम क्या करते हैं कि बैड हैबिट्स की स्मोकिंग कर ली, अल्कोहल ले लिया, है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो इनके कारण साइकोलॉजिकल फैक्टर भी डिपेंड करता है हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन पे।
तो आप देखो कि जो हमारा स्वास्थ्य है तो उसको हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समझ के अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। और न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा होगा। ओवरऑल हेल्थ अगर अच्छा होगा तो हमारी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ इमेज भी हमेशा हाई रहेगी, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल को हम मेंटेन रखें। जो भी उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हैं या फिर एक्शंस हैं वो हमें लेने चाहिए, है ना। और सेकेंडली अगर हम देखें कि न्यूट्रिशन का अगर इनएडिक्वेट अमाउंट है हमारी बॉडी में या फिर हम कहें इम्प्रॉपर न्यूट्रिशनल स्टेटस है ऑर्गेनिज्म का किसी भी, तो वो लीड करेगा माल न्यूट्रिशन, है ना। तो माल न्यूट्रिशन है क्या कि आपका इम्पेयरमेंट या फिर कहो लॉस ऑफ हेल्थ, है ना। किसके कारण? कि न्यूट्रिशन की न्यूट्रिएंट्स की डिफिशेंसी हो गई या फिर उनका एक्सेस अमाउंट हो गया या फिर उनका जो रेशियो होना चाहिए बैलेंस फॉर्म में हमारे बॉडी में वो इम्बैलेंस हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं माल न्यूट्रिशन होने की। आप ये कह सकते हो कि लैक ऑफ सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, है ना, जिसे हम माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। अब इसके कॉज क्या हैं? आप देखो जैसा हम फैक्टर्स में जान चुके हैं न्यूट्रिशन के, पुअर डाइट है, पुअर डाइजेस्टिव कंडीशन है, कोई हमें बीमारी हो गई है, सोशल फैक्टर्स हैं वहाँ पे, है ना, इकोनॉमिकल हैं आपके, साइकोलॉजिकल है, तो ये सारे कॉजेज रहते हैं माल न्यूट्रिशन के। और सिम्टम्स क्या है माल न्यूट्रिशन का? कि हमें फटीग होगा, डिजीनेस होगा, वेट लूज होगा, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो हमारा लॉस होने लगेगा। और अगर माल न्यूट्रिशन को हमने ट्रीट नहीं किया तो वो एक सीवियर कंडीशन हो सकती है हमारी फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज के लिए, ठीक है। सो हमें अपनी अगर फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ को मेंटेन रखना है तो अपने माल न्यूट्रिशन को अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, माल न्यूट्रिशन की अगर हम कंडीशंस देखें तो ब्रॉडली हम तीन ग्रुप्स में इसे जानते हैं। फर्स्टली अंडर न्यूट्रिशन, सबसे पहली, जिसमें अंडर वेट, स्टंटिंग और वेस्टिंग, ये तीन कैटेगरीज हैं। अंडर वेट मतलब क्या होता है? कि एज के अकॉर्डिंग हमारा वेट कम होना। स्टंटिंग क्या है? कि एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट कम है। और वेस्टिंग क्या है? कि हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कम होना। तो ये सारे अंडर न्यूट्रिशन में आते हैं। सेकंड, माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, मीन्स जो विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण हमें डिफिशियंसीज होती हैं, जैसे एनीमिया, रिकेट्स, पेलेग्रा, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, ETC, है ना। और कहीं पे आप देखो एक्सेस की वजह से, जैसे विटामिन ए की एक्सेस की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है, ये चीज़ें हैं। और थर्ड रहेगा ओवर न्यूट्रिशन। अगर ओवर न्यूट्रिशन भी होता है तो उसके लिए भी हमें डिजीजेज होती हैं, तो इसमें जैसे ओवर वेट, ओबिसिटी और डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कार्डियक डिजीज, हेल्थ, आपके हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा जाना कि न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन से हमें अपने आप को कैसे हेल्दी रखने में हेल्प मिलती है इनको जान के, है ना। तो न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन के बारे में हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। और आप देखोगे कि ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत से देशों में, और इवन कहें तो हर देश में बहुत से लोग पीड़ित हैं, है ना। सो इसको अवेयर भी होना है हमें, और साथ में लोगों को भी अवेयर करना है, उन्हें जगाना है ना, इसके बारे में जानकारी दे के। सो फ्रेंड्स, गुड लक। ये पूरा वीडियो था न्यूट्रिशन टॉपिक पे, जिसमें हमने पूरा न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन के बारे में जाना, उनके डेफिनेशंस, टाइप्स, प्रोसेसेस, है ना। और नेक्स्ट हम फिर किसी टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू।